बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद नवल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक से प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आप बहुत ही सियाने हैं और आपने सियाने होने का सबूत मुझे ज़रूर देना है, ठीक है? वो कैसे देना है भाई? आपको पता है आपने करना है क्या करना है भाई, भूल गई मैं। आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें भाई स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ओ ओ तो मेरी बहनों, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपका तलब किसी भी शोबे से हो, आप एक टीचर हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, यूनि गोइंग गर्ल हो, भाई जो मर्जी हो, आपने इन प्रोडक्ट को यूज़ करना है और आपने देनी है मुझे दुआएं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये है रिवाज का सन ब्लॉक, ठीक है? डिटेल्स वगैरह सब कुछ है वो इसके ऊपर दिया गया है। तो ये जो है हल्का सा वाइट कास्ट छोड़ता है। आगे चलेगी मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि भाई आपने करना क्या है। जब आपने सबसे पहले करना है कि अपना फेस जो है वो अच्छी तरह से वॉश करना है, देन आपने बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र कोई अप्लाई कर लेना है या कोई भी आप सीरम शीरम जो कुछ अप्लाई करते हैं वो कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो सन ब्लॉक ये वाला लेना है, ठीक है? या फिर कोई और ले सकते हैं, लेकिन वो वाला जो हल्की सी जो है मतलब अवॉइड करता हो, आपकी स्किन टोन को जो है थोड़ा सा गोरा चिट्टा बनाता हो, तो आपने वो वाला लेना है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो ये वाला ले ले भाई आंखें बंद करके। तो ये बिल्कुल भी जो है जल्दी से अप्लाई हो जाता है, मतलब जल्दी ब्लेंड हो जाता है, नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है और पसीना सीना इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? आप जो है इसको लो, ख़रीदो, इस्तेमाल करो और मुझे दुआएं दो। खैर, मैं इससे पहले जो थी वो रिवाज के हक़ में नहीं थी, क्योंकि एक सन ब्लॉक मैंने यूज़ किया था, बहुत ही बकवास था वो। तो अब काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने इनका ये वाला ख़रीदा है, SPF 60 है इसमें, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा है ये वाला। अच्छा, तो इसको लगाने के बाद जो है आपको कुछ भी अता पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बल्कि आपकी स्किन जो है वो इतनी प्यारी सी, सॉफ्ट सी और मतलब बड़ी गोरी चिट्टी सी नज़र आएगी। तो मतलब आपने लगाना थोड़ा सा है, ये ना हो कि आप एक दफ़े जो है वो भर भर के लगा लें और आपने भूत बन जाना है भाई। मैं पहले बता रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लगाना और थोड़ा सा सब्र करना है, एक मिनट बाद जो है ये सेट होता है, ठीक है? ये नहीं कि फ़र्स्ट बार लगाने के साथ ही आप जो है वो शुरू हो जाएं कि भाई ये क्या लगा लगा भूत बन गई मैं, भूत बन गई ना, ऐसा नहीं करना। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप है भाई, आपने ले लेनी है कोई लाली शाली से मुराद समझ ही गए होंगे आप लोग जी। इस तरह के लिप बाम तो आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो भाई ख़रीद लो, क्योंकि इनको यूज़ करने से भी कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने इनको 6 माह से ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है? 30 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की आपको आसानी से मिल जाएगी, अगर आपके पास टेंट नहीं है तो। अगर टेंट है तो फिर भाई आप टेंट इस्तेमाल करो। तो इस तरह आपने ब्रश पे लेना है इसको और हल्के हाथों से जो है आपने बिल्कुल नेचुरल सा कलर देना है, ठीक है? अपनी चीक्स के ऊपर, हल्का सा नोज़ के ऊपर लगा लेना है, ताकि आपको लगे कि भाई बड़ी नेचुरल ब्यूटी है भाई, ब्यूटी। तो इस तरह की आपने लिप बाम ले लेनी है या फिर टेंट इस्तेमाल कर लो। तो इसके बाद जो है मैंने ख़रीदा था ये हुदा ब्यूटी का, आप इसको लिप ग्लॉस कह लो या फिर आप इसको टेंट शिंट जो मर्ज़ी कह लो भाई, कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये दिखता ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसको जब आप हल्का सा अप्लाई करोगे तो बड़ा ही प्यारा सा पिंकिश कलर देगा, लेकिन जब आप इसको भर भर के अप्लाई करोगे तो इतना ये डार्क पिंकिश कलर में आ जाता है। ओह हो, तो ये गलती नहीं करनी, इतना डार्क नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है? आपने लगाना है तो बहुत ही प्यारा सा ये आपकी लुक को बना देगा। तो अच्छा, तो इसके बाद बारी आती है भाई तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आता है आपका हाइलाइटर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, इसको जो है आपने थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, क्योंकि ये पाउडरी फॉर्म में है, तो आपने सेटिंग स्प्रे लेना है। दो या तीन पम्प्स आपने कर लेने हैं अपने ब्रश के ऊपर, और फिर आपने जो है एक हाइलाइटर को पिक करना है, दो या तीन को भी कर सकते हैं मिक्सअप करके, और आपने जो है अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर। तो बड़ा प्यारा सा आपका जो है ये लुक बना देगा। ये ऑप्शनल है, खैर अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लेने, तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फाइनल टच देना है आपने, आपने अपनी आँखों में ज़रा काजल शाजल कोई सुरमा, या फिर आप अगर मस्कारा शस्कारा लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आपकी होती है भाई नो मेकअप लुक कम्प्लीट। और आपने ये इस लुक को जो है वो ज़रूर क्रिएट करना है और मुझे दुआएं ज़रूर देनी है, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे दुआएं देनी है, ठीक है? तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। हाइलाइटर में जो है आप इस तरह के स्टिक हाइलाइटर या लिक्विड हाइलाइटर, कोई किसी भी तरह के मकसद है कि हाइलाइटर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है? तो भाई ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।
तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आप सियाने हैं ना, तो सियाने होने का सबूत देते जाइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।